तो देखिए फ्रेंड्स, इसको पावर सप्लाई हम चले देते हैं, यहाँ से इसका पावर कॉर्ड हम निकाल लेते हैं, कॉर्ड इसमें लगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें पावर सप्लाई आ चुका है, हम कॉर्ड जो है इसको लगा दिए हैं, तो हमारे फ्रिज में जो है पावर सप्लाई पूरा आ चुका है। ठीक है, अब इसको कंट्रोल कैसे करना है सो हम आपको बताते हैं। तो चैनल को फ्रेंड्स बिल्कुल सब्सक्राइब करें, एक एक चीज़ हम आपको इसके बारे में बताने वाले, एक एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जिससे आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेस करने से पहले आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज ना बचे। अब बस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कंट्रोल कैसे करना है सो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको तीन बटन मिलता है, फ्रीजर, फ्रिज, ईडी फोर्स, इको मोड। ठीक है, तो इस सभी का उपयोग करके बताने वाले हैं। 5-in-1 क्या होता है सो भी हम आपको बताने, तो वीडियो पर पूरा ज़रूर बने रहें। तो देखिए ये फ्रीजर है, देखिए इसको हम दबाते हैं, देखिए ठीक है, ये देखिए विंटर का सीज़न है, मॉनसून का सीज़न है, समर का सीज़न है, जैसा सीज़न चल रहा है, जैसा मौसम चल रहा है, तो उस अनुसार हमको इसको सेटअप करना है। ये जो है इस साइड आपका, ये आपका पूरा फ्रीजर का जो है टेम्परेचर कंट्रोल करने का दिया गया है इंडिकेटर। ठीक है, इसमें छोटा छोटा लाइट जलता है, देखिए इसको जैसे हम दबाएंगे ऊपर बढ़ेगा, लाइट बढ़ाते चलिए, तो ये 7 डिग्री सेल्सियस तक आपको वो इसमें कूलिंग करता है। तो विंटर है तो 1 या 2 पॉइंट पर आप रखिए, ठीक है, मॉनसून है तो 3 या 4 पर रखें, और अगर समर का ऑप्शन है तो 5 या 6 पर रखें। अब बोलिएगा 6 पर हम क्यों कब रखें, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है आपको मौसम के साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि इस रेफ्रिजरेटर के अंदर कितना सामान रखा हुआ है। समर का मौसम है लेकिन हम इसमें सामान जो है बहुत ही कम रखे हुए हैं, तो उतना हमको कूलिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए आप जो है इसे 1 या 2 पर भी रख सकते हैं, अगर आपका सामान कम है तो। अगर आपका सामान अधिक है तो आप जो है 3-4 पर रखें, 5 पर भी आप रख सकते हैं। तो ये इससे आप समझ लीजिए कि आपका रेफ्रिजरेटर का जो है कूलिंग कंट्रोल होगा, फ्रिज का जो है कितना टेम्परेचर देना है वो आपको यहाँ से कंट्रोल होगा, तो क्योंकि डिजिटली कर सकते हैं। तो अब देखिए एक ऑप्शन क्या दिया गया है, 5-in-1 का मतलब 1 में आपको हो गया पावर कूल का ऑप्शन दे दिया गया है, जिससे आपको कुछ भी नहीं पता है रेफ्रिजरेटर के बारे में। अगर आप जो है इसके अंदर पूरा सामान स्टोर करके रख चुके हैं, तो देखिए एक पावर कूल का ऑप्शन देता है, ये जो है इसे देखिए 3 सेकंड के लिए इसे पुश कीजिए, दबा कर रखिए, देखिए यहाँ पे देखिए ये पावर कूल मोड में चला गया, जिससे आपको ये रेफ्रिजरेटर सबसे फास्ट कूलिंग करने लगेगा, क्योंकि ये पावर कूल में चला गया। बस ये बटन को आपको 3 सेकंड के लिए इसे पुश करके रखना है, तो देखिए आपका ये रेफ्रिजरेटर बहुत ही फास्ट कूलिंग करने लगेगा। तो ये आपको पावर कूल का ऑप्शन मिल गया, जिसमें आपको पावर कूल में क्या होता है, देखिए आप 31% ये फास्ट आपका रेफ्रिजरेटर कूलिंग होने लगेगा, और अगर आपको बर्फ़ बनाना हो जो कि फ्रीजर बॉक्स में, 53% फास्ट आपका जो है आइस क्यूब बन जाएगा। तो ये पावर कूल हो गया। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो बस इसे 3 सेकंड के लिए पुश करके रखिए, तो आपका बर्फ़ बन जाएगा। आप जैसे इस मोड से हटाना है हमको, तो इसको ऐसे 3 सेकंड के लिए दबा कर रखिए, देखिए उस मोड से हट गया। अब हम इसे मैनुअली अपना सेटअप कर सकते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस पर हमको जो है टेम्परेचर सेट करना है। तो ये तो हो गया इसका टेम्परेचर सेट करना। अब देखिए सेकंड नंबर में आते हैं ई डिफॉर्स बटन, बहुत सारे दोस्तों इसे रिसेट बटन भी बोला जाता है, तो लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है वो ई डिफॉर्स का इस्तेमाल कब होता है सो हम आपको बताते हैं। ये आपका हो गया फ्रीजर, क्या हो गया फ्रीजर, इसमें जो है बर्फ़ जमता है, हम आपको बता दिया, आइस क्यूब बनाना हो, आइसक्रीम बनाना हो, तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हम रख दिए, देखिए फ्रेंड्स इतना समय में बहुत ही जल्दी 3 से 4 मिनट मात्र इसको हम ऑपरेट किए हैं, और ये देखिए बहुत ही कूलिंग हो चुका है, ये बर्फ़ बन जाएगा अगर इसमें हम देंगे तो। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपको ये बर्फ़ बना के दे देगा, मात्र आपको जो है ये 60 मिनट में आपका बर्फ़ बना के दे देगा ये रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो ये बहुत ही कूलिंग हो चुका है, तो इसमें जैसे बर्फ़ बनता है तो आपका डोर ओपन नहीं होता है, या कोई प्लास्टिक का बर्तन रखे हुए इसमें चिपक जाता है, तो आप क्या करते हैं इसमें चाकू चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको कहाँ आना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बटन जो है इसको आपको 3 सेकंड के लिए ऐसे करके पुश करना है, देखिए देखिए यहाँ पे दिखा दिया, तो ई डिफॉर्स हो जाएगा, जितना भी इसके अंदर बर्फ़ बना होगा वो सभी जो है
पानी बन के पीछे जाके एक कंटेनर रहता है, उस कंटेनर में स्टोर हो जाएगा जिसे आप क्लीन कर सकते हैं। ई डिफोर्स का हो गया, मान लीजिए ई डिफोर्स से हटाना हो तो फिर इसके 30 सेकंड के लिए पुश कर दीजिएगा तो देखिए आया, फिर इसको ई डिफोर्स से हटा दीजिए, दबा कर रखिए, हट गया। अब इसे नॉर्मल आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ई डिफोर्स का मतलब है जब भी इसमें बर्फ़ बने तो आप इसे कंट्रोल कर लीजिए, कितना आपको अगर बर्फ़ को पानी बनाना है तो ई डिफोर्स बटन दबा दीजिए, या आप पावर सप्लाई जो है कट कर सकते हैं, जो कि आपको इसमें ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए इको मोड है, इको मोड देख लीजिए आप, इको मोड का इस्तेमाल कब होता है सो हम आपको बताते हैं। जैसे आपका बारिश का मौसम है, ठीक है, या ठंड का मौसम है, और हमारा रेफ्रिजरेटर का जो है, हमारा रेफ्रिजरेटर जो होता है सिंगल डोर लीजिए डबल डोर लीजिए, तो उसका इस्तेमाल बहुत ही कम हो जाता है, तब बहुत ही कम हो जाता है फ्रेंड्स। एनर्जी भी तो हमको सेविंग करना है, तो एनर्जी सेविंग के लिए आपको ये डिजिटली क्या कर दिया है, इसमें इको मोड दे दिया है। इको मोड देखिए, इको मोड है, इसको आपको ऐसे 30 सेकंड के लिए पुश करके रखना है। देखिए देखिए इको मोड आ गया, पावर सेविंग पर आ गया, तो इसमें आपका जो है फ्रिज बहुत ही कम कूलिंग करने लगेगा। इस अगर इको मोड में डालिएगा तो आपका फ्रिज जो है बहुत ही कम कूलिंग करने लगेगा, जिससे आपका रेफ्रिजरेटर जो है बिजली बहुत ही कम खपत करेगा, ठीक है। तो इको मोड देने के बाद आपका रेफ्रिजरेटर जो है बहुत ही बिजली कम खपत करेगा और कूलिंग बहुत ही कम करेगा। तो जब आप इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं तो इको मोड में आप डाल सकते हैं, जो कि मानसून का, अगर बारिश का मौसम है, मानसून है, ठीक है, विंटर का सीज़न है, ठंडा का मौसम है, उस समय आपका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में आपको नहीं दिया जाता था, ठीक है। अब इको मोड से हमको हटाना है तो फिर इसको ऐसे 30 सेकंड के लिए पुश कीजिए, तो इको मोड से हट गया। फीचर्स था उसका हम आपको जानकारी दे दिए हैं, इसको कंट्रोल कैसे करना है हम सो भी आपको बता दिए हैं, और इसके रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो 24 आवर्स के अंदर जो है उसका हम रिप्लाई दे देंगे, आप कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।